तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में ना ही कोई पीसी रिलेटेड कंटेंट, ना ही कोई अनबॉक्सिंग, ना ही कोई प्रोडक्ट रिव्यू होगा, लेकिन एक चीज़ होगा जो कि ये मोटोरोला H40 नहीं हुआ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हाइप मचा था जब लॉन्च हुआ था, और मैंने लगभग पिछले साल दिसंबर महीने में बाय किया था। लगभग अभी 5 महीना रनिंग है, 5-6 महीना, ठीक है। तो ये जो फोन है ना, अभी तक आप पकड़ के चलो ये 6 महीने भी नहीं हुआ, ठीक है, इस फोन को। तो ये फोन में मैं एक चीज बता देता हूँ, ये पीछे जो ना वीगन लेदर आता है। अब ये वीगन लेदर में ही ना एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि खराबी है। अगर ये वीगन लेदर की बात करो ना, ये चीज मुझे बहुत तो खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे पास ग्लास बॉडी वाले फोन थे, प्लास्टिक बॉडी वाले फोन थे, यहाँ तक एल्युमिनियम सीरीज वाले फोन भी थे। लेकिन ये फर्स्ट मेरा ऐसा फोन है जिसमें कि आपको वीगन लेदर मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोन नो डाउट काफी अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वीगन लेदर का जो ये पेस्टिंग है ना, ये जो एरियाज है ना, सब गैप आ गया। IP68 आप कुछ काम का नहीं, इसको पानी में डालोगे ना बबल्स आ जाएगा, इसके अंदर पानी जाएगा। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप वीगन लेदर या मोटोरोला के कोई भी फोन परचेस कर रहे हो तो ध्यान से परचेस करना, स्पेशली इस चीज को इग्नोर करो, वीगन लेदर वगैरह को। ये गंदा हो जाता है अगर आप बिना कवर के यूज करोगे। मैं तो कवर के साथ भी यूज करता हूँ, लेकिन कलर बहुत ज्यादा फेड हो चुका है, डार्क हो चुका है, ठीक है, येलो टाइप हो चुका है। इतना इतना भी येलो नहीं था, थोड़ा मतलब ब्लू दिखता था, लेकिन अभी थोड़ा अजीब सा ही कलर आ चुका है इस फोन का, ठीक है। कलर में भी इशू आ रहा है, प्लस आपका जो पैनल में गैप वगैरह का इशू होता है। तो वीगन लेदर वाले फोन में आपको स्पेशली बोलूंगा कि थोड़ा इग्नोर करा करो, थोड़े पैसे स्पेंड करके कोई और फोन ले लिया करो, क्योंकि वीगन लेदर स्पेशली एक लाइक मटेरियल टाइप होता है, लेदर टाइप होता है, लेदर नहीं होता ओरिजिनल। लेकिन क्या होता है ना, ये सारी चीजें फोन्स के लिए नहीं होता है। फोन क्या होता है ना, हीट वगैरह होता है, ग्लास पैनल होगा तो गर्म होगा, लेकिन आपका क्या है, ऐसा गैप नहीं हो जाएगा। प्लास्टिक देखोगे, प्लास्टिक में भी हीट होगा, लेकिन पैनल में गैप नहीं आएगा। लेकिन लेदर टाइप के मटेरियल्स या कपड़े टाइप के मटेरियल्स क्या होते हैं ना, सिकुड़ जाते हैं। तो उस केसेस में ये चीज़, ये मेरे फोन में ये दिक्कत आया, इसको मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा, देखूंगा आगे का क्या एक्सपीरियंस होता है। देन फ्यूचर में आपको जरूर से वीडियो में बता दूंगा कि सर्विस सेंटर वालों ने क्या सॉल्यूशन दिया या क्या कुछ दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ यार, वीगन लेदर वाले फोन इग्नोर मारा करो, चाहो तो ग्लास प्लास्टिक ले लो, एल्युमिनियम वाले ले लो, तब भी सही है, लेकिन वीगन लेदर को इग्नोर करो। ये मोटोरोला के साथ नहीं कहूंगा, सारे ब्रांड के साथ ही होगा। हो सकता है कि ये लोगों ने लो क्वालिटी का ग्लू वगैरह या पेस्टिंग वगैरह किया हो, ये हो सकता है कॉस्ट कटिंग के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने एक ब्रांड का तो मैं नहीं देखा, मैं बहुत सारे ब्रांड का देख के ही मिला के ही बात कर रहा हूँ। ये जो वीगन लेदर होता है ना, सिकुड़ते हैं, तो ये इस टाइप के या इसी मटेरियल से बने फोन्स को इग्नोर करो लॉन्ग टर्म के लिए। नॉर्मली अगर आप इसको ना, एक महीने की बात करो, अगर आप 1 महीने इसको नॉर्मल यूज करोगे, एक मतलब बिना कवर के, ठीक है, तो ये वीगन लेदर पूरा निकल जाएगा, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। कोई ब्रांड अगर है ना कि बोल रहे हैं कि 1 महीने में नहीं निकलेगा, मुझे फोन भेजो, मैं भाई तुम्हें बिना कवर के यूज करके मैं दिखा दूंगा, निकाल के निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे घिसूंगा, लेकिन हाँ नॉर्मल यूजेस में ही निकल जाएगा। ये साला वीगन लेदर नाम का एकदम पतला लेयर है, इससे अच्छा तो प्लास्टिक और ग्लास वाले फोन आते थे, ठीक है। तो मोटोरोला के फोन थोड़ा सोच समझ के लिया करना, और कोई सा भी ब्रांड का भी वीगन लेदर के फोन हो थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको बस बताना था। अब हो सकता है कि औरों का एक्सपीरियंस कैसा था, लेकिन मैं पर्सनली इसको एज अ रफ यूज नहीं करता, मेरा प्राइमरी फोन के टाइप से यूज करता हूँ, तो मुझे पसंद नहीं आया यार। फोन फीचर्स बहुत अच्छा दिया था, लेकिन पसंद नहीं आया बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, एंड ओवरऑल पैनल वगैरह और क्वालिटी के हिसाब से भी।